प्रदेश सरकार के जनरल प्रमोशन के ट्वीट को लेकर संपूर्ण प्रदेश में भ्रामकता फैलाई जा रही है। इसी को लेकर इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कुलपति रेणु जैन ने बताया कि जनरल प्रमोशन सिर्फ प्रथम व द्वितीय वर्ष के रेगुलर कोर्स के छात्रों को दिया जाएगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा दी जाएगी। इनके संबंध में शिक्षा विभाग के नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, उसी माध्यम से प्रमोशन की परीक्षाएं की जाएगी। सीईटी और कॉलेज सत्र प्रारंभ को लेकर भी बताया गया कि प्रवेश परीक्षाएं भी की जाएगी। कॉलेज स्तर सितंबर माह से शुरू होने की संभावना है। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। हम सीटी को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या इस बार सीटी की परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, और अगर सीटी की परीक्षा होती है तो कब तक होने की संभावना है? ये हम लोगों ने मीटिंग में यही निर्णय लिया है कि सीटी की ही परीक्षा करवाई जाए, और अभी उसके लिए दूसरी डेट, पहले हमको 31 अगस्त की डेट मिली थी, अब उससे कंपनी से दूसरी डेट मांगी गई है, और परीक्षा लेकिन सीईटी से ही होगी। इसीलिए सब जो भी विद्यार्थी देना चाहते हैं अभी से तैयारियां शुरू कर दें। मैम, जनरल प्रमोशन को लेकर क्या है, पूरे प्रदेश भर में एक भ्रामकता फैलाई जा रही है कि जनरल प्रमोशन वापस से अब नहीं दिया जाएगा, तो इसके संबंध में क्या है, जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है या नहीं? जनरल प्रमोशन अभी फर्स्ट और सेकेंड के जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनमें दिया जा रहा है, पर अभी भी उसकी पूरी गाइडलाइंस नहीं आई हैं, तो उनका रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला बनेगा, कैसे बनेगा, इसके लिए अभी शासन में मतलब मीटिंग चल रही है और उनमें बातचीत हो रही है, पर उसके बाद विस्तृत गाइडलाइंस आएंगी। जब विस्तृत गाइडलाइंस आएंगी उसी के आधार पर हम लोग अपना कोई फार्मूला निकालेंगे, पर यह तो तय है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है और फाइनल की परीक्षाएँ होंगी। मैम, कॉलेज सत्र कब तक स्टार्ट होना चाहते हैं, कब तक हो सकते हैं, और नवीन सत्र कब तक प्रारंभ होने की तैयारियां? इसके लिए भी यूजीसी ने गाइडलाइन दी थी कि 1 सितंबर और 1 अक्टूबर से, तो अगर जिनका जनरल प्रमोशन की बात क्लियर हो गई तो उनको फिर 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा, और जो नया जो एडमिशन्स होंगे वो 1 अक्टूबर या अब स्थिति को देखते हुए और आगे भी बढ़ सकता है। मैम, डीएवीजी से संबंधित बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, तो उसमें क्या तैयारी रही, क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे अगर कॉलेज खोलते हैं तो, उसके संबंध में कोई जानकारी या कुछ प्रकार की कोई बात नहीं? अभी तो उनसे हम अभी एग्ज़ाम की बात लेंगे, बाकी तो एडमिशन के लिए वो लोग स्वयं जिम्मेदार हैं, और उनमें शायद गवर्नमेंट के थ्रू ही एडमिशन्स होते हैं, और या वो अपने अपने खुद के लेवल पर करते हैं, तो उसमें एडमिशन संबंधी तो हम लोग कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, लेकिन एग्ज़ाम जब उनका जो अगर वो एग्ज़ाम के सेंटर होंगे तो एग्ज़ाम को लेकर हमारी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।